Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोवा के 60 वर्ष का एक महत्वपूर्ण कालखंड का वर्ष है। गोवा मुक्ति को 60 साल हुए। मैं आज जरा उस चित्र को कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र जहां भी होंगे जरूर सुनते होंगे, गोवा के लोग जरूर आज सुनते होंगे मेरी बात को। अगर सरदार साहब जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ और उस समय के 60 साल पहले के अखबार, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लेवल लीडर की शांतिप्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो। और इसलिए जब वहां सत्याग्रहियों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा। सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी, ये हाल पैदा किए थे। नेहरू जी ने 15 अगस्त 1955 नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे, कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे, समझ लें सब लोग इस बात को। ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ कांग्रेस के नेता के बयान है। पंडित नेहरू जी ने आगे कहा था, देश के अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले मेरे ही देशवासियों के लिए क्या भाषा, कितना अहंकार है। वो लोग वहां जा रहे हैं, उनको वहां जाना मुबारक हो, लेकिन ये भी याद रखें कि अपने को सत्याग्रही कहते हैं तो सत्याग्रह के उसूल, सिद्धांत और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रह के पीछे फौजें नहीं चलती और ना ही फौजों की पुकार होती है। असहाय छोड़ दिया गया मेरे देश के नागरिकों को, ये गोवा के साथ किया। गोवा की जनता कांग्रेस के इस रवैये को कभी भूल नहीं सकती है। अभिव्यक्ति स्वतंत्राचुरी प्रधानमंत्र्यान काँग्रेसीक सोलून काढली। वीर सावरकराची कविता आकाशवाणीचेर गायली म्हण हृदयनाथ मंगेशकराक काढून उडोवपी काँग्रेस सरकारूच। गोवा के एक सम्माननीय, गोवा की धरती की एक बेटी की कथा है। व्यक्ति स्वतंत्रता की बातें करने वाले लोगों का इतिहास में आज खोल रहा क्या किया है। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई
पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। और उनका गुना क्या था? उनका गुना ये था कि उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी। तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया। 8 दिन के अंदर उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रूडेंट।